केंद्रीय पुल में गेहूं के भारी बरकम स्टॉक को हल्का करने के लिए केंद्र सरकार इंसेंटिव का सहारा लेने जा रही है। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने 60 लाख टन गेहूं का निर्यात करने का लक्ष्य तय किया है और इस पर करीब 18,000 करोड़ का खर्च इंसेंटिव के माध्यम से आएगा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। केंद्रीय पुल में 1 सितंबर को 517.87 लाख टन गेहूं का बंपर स्टॉक मौजूद है, जो कि पिछले साल के समान अवधि के 478.32 लाख टन से ज्यादा है। अप्रैल में गेहूं की नई फसल की आवक बनेगी, इसलिए नई फसल की आवक से पहले केंद्र सरकार गोदामों को हल्का करना चाहती है। मिली जानकारी के अनुसार विदेशी बाजार में फिलहाल गेहूं के दाम तेज हैं, इसीलिए गेहूं का निर्यात पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल आदि को हो रहा है, लेकिन सरकार निर्यात में तेजी लाना चाहती है। माना जा रहा है कि अभी विदेशी बाजार में दाम तेज रहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी तो फिर भाव में नरमी बन सकती है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से गेहूं का निर्यात बढ़कर 19,86,000 टन का हुआ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की समान अवधि के 2,63,000 टन से ज्यादा है। वहीं व्यापारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांडला बंदरगाह पर निर्यातक ₹2,150 प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की खरीद कर रहे हैं, जबकि दक्षिण भारत की मिलें उत्तर भारत के राज्यों से 2,400 से 2,500 रुपए पर खरीद रही हैं। वहीं व्यापारियों के अनुसार केंद्र सरकार ने इंसेंटिव देने की घोषणा कर दी तो हाजिर बाजार में गेहूं की कीमतों में करीब 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी बन सकती है। वैसे भी गेहूं का बकाया स्टॉक अब मजबूत हाथों में ही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार नवंबर के बाद गरीबों को दिए जा रहे फ्री गेहूं के आवंटन को भी रोक सकती है, क्योंकि कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है और पहले की तुलना में राज्य सरकारें लॉकडाउन में भी छूट दे रही हैं। वैसे भी खपत का सीजन होने के कारण आगे गेहूं उत्पादों की मांग भी बढ़ सकती है। तो फिलहाल माना ये जा रहा है कि अगर इस पर मोहर लगती है तो आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।